Good afternoon and Assalamu Alaikum. You will never ever win playing a game that someone else loves more than you. Gary Vee ने ये बात कुछ दिन पहले अपने एक वीडियो लेक्चर में की YouTube पे. Gary Vee इस वक्त YouTube पे बिजनेस वर्ल्ड की सेंसेशन है, जिसने स्क्रैच से बहुत सारे बिजनेसेस बिल्ड किए और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सक्सेस की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. सो बात 100% ठीक है. अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसको आप पसंद नहीं करते, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, जो आपका पैशन नहीं है, तो आप उस शख्स को बीट नहीं कर सकते, उसमें उसको उतने लेवल पे आगे नहीं उसमें जा सकते अगर आपसे ज्यादा पसंद पैशन रखने वाले उस प्रोफेशन में लोग हों. तो इसलिए या तो आप उस चीज को पसंद करना शुरू कर दें जो आप कर रहे हैं, या आप वो करने लग जाएं जो आपको पसंद हो. प्रॉब्लम क्या आता है, मिड करियर में जाके लोग ये मान लेते हैं कि अब हम करियर चेंज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस हमें लिमिट कर रहा है. लेट सपोज फार्मासिस्ट है, लेट सपोज अकाउंटेंट है, ओके अकाउंटेंसी में ही मैंने आगे अब काम करना है. कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो मैकेनिकल में. मैंने अपनी लाइफ में हमेशा एक चीज की जो थी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच अगेन एंड अगेन, और उसने मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस दिया, एक्सपोजर दिया, एज कंपेयर टू मैं एक जो स्टार्टिंग में जॉब शुरू की थी 22 साल पहले, अगर उसी पे काम करता रहता, उसी प्रोफेशन में रहता. सो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं पॉलीमैथ. मिसाल के तौर पे पहली जॉब थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, दूसरी जॉब थी प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में, तीसरी जॉब थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, चौथी जॉब थी बिजनेस डेवलपमेंट मार्केटिंग एंड सेल्स टेक्निकल सेल्स टेक्निकल कंसल्टिंग और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज कंट्री मैनेजर फॉर पाकिस्तान, जिसके नीचे ये सारे काम हो रहे होते हैं, ये करने होते हैं. सो जब आप किसी कंपनी को हेड कर रहे होते हैं तो आपको ये सारे डिसिप्लिन्स का एक्सपीरियंस एक्सपोजर अगर है तो आपके लिए आसान हो जाता है उस सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज टैक्सेशंस ऑपरेशंस, किसी भी चीज को एज ए प्रोजेक्ट लेके. लेट सपोज हम पाकिस्तान में आके भी का वेयर हाउस ओपन कर रहे हैं, दैट हैज बिकम अ प्रोजेक्ट फॉर अस. सो उस प्रोजेक्ट को कैसे हमने ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करना. सो इस तरह से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट 2013 से लेके अब तक हमने मोर देन 200 कंपनीज में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए. सो इतने मल्टीपल डिसिप्लिन में काम करने का इवेंचुअली इंसान को ज्यादा फायदा होता है एज कंपेयर टू वो अगर एक ही डिसिप्लिन में काम करता रहे. सो इसलिए आप इससे क्या होता है, एक और ये करते करते आप फाइनली यू गेट टू द पॉइंट जहां यू रियलाइज कि हाँ ये वो काम है जो मुझे पसंद है. बिकॉज हिट एंड ट्रायल से हमारे क्योंकि मुल्क में स्टार्टिंग से सेटअप नहीं है कि आप करियर काउंसलिंग करें, आप उनकी करियर के अंदर जो जो एक शुरू में हेल्प कर दें आप किसी बिगनर लेवल पे एक प्रोफेशनल को कि उसको क्या करना चाहिए, वो इस पॉइंट पे आ जाए. और ये भी पॉसिबल है कि 10 साल तक वो यही समझता रहे कि HR में काम करना उसका पैशन है, लेकिन 10 साल के बाद उसको वो एक्सपोज हो जाए किसी और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से और उसको रियलाइज हो कि नहीं मुझे ये काम करना. तो इसलिए ये हिट एंड ट्रायल से जो हम सीखते हैं, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो लर्निंग में होती है, ये ज्यादा हमारे लिए अफादियत है इसमें और आगे जाने के चांसेस है. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.